वेलकम टू सवित नर्सिंग लेक्चर्स वंस अगेन एंड इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द पैल्विक कैविटी एंड द आउटलेट जो पेल्विक कैविटी है हमारी वो मिडिल पोर्शन होता है इसके अबब में हमारे पास इनलेट आता है एंड बिलो पोर्शन में इसमें आउटलेट आता है अब इसके डायमीटर्स की अगर हम बात करें तो इसका एंटीरो पोस्टर जो डायमीटर है वो ट्वेल्व सेंटीमीटर का है और ये किस किस के बीच में है तो ये मिड पॉइंट ऑफ पोस्टर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द थर्ड सेक्रल बोटिब्रल के बीच का डिस्टेंस है और अगर इसके ट्रांसवर्स डायमीटर की हम बात करें तो ट्रांसवर्स डायमीटर इसका 12 सेंटीमीटर है और ये रफली डायमीटर है क्योंकि इसका प्रिसाइजली मेजर्ड डायमीटर नहीं होता है क्योंकि इस पर जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज ओवरलाइंग ऑन द सिएटिक नॉच एंड द ऑपट्यूरेटर फॉरामा नाव वी विल टॉक अबाउट द आउटलेट आउटलेट में जो है वो हमारे पास एंटीरो पोस्टर डायमीटर आता है जो कि इलेवन सेंटीमीटर का होता है और ये ऑफ प्यूबिस टिप ऑफ द सेक्रल रीजन जो है वो के बीच का डिस्टेंस होता है अगर इसके ट्रांसवर्स uh, डायमीटर की हम बात करें तो इसका ट्रांसवर्स डायमीटर जो है 10.5 सेंटीमीटर का होता है एंड टू टूल स्पाइन आती हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है फिर हम बात करते हैं अनैटमिकल कॉन्जुगेट की सो अनैटमिकल कॉन्जुगेट में हमारे पास एंटीरियो पोस्टर डायमीटर 13 सेंटीमीटर का आता है ये होता है लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द कोकाइक्स रीजन ट्रांसफोर्स डायमीटर की बात करें तो ये 11 सेंटीमीटर का होता है और ये होता है इनर सरफेस ऑफ ट्यूब्रोसाइट्स के बीच में सो दिस इज द कैविटी एंड आउटलेट ऑफ द पेल्विस एंड इफ यू हैव एनी क्वायरी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी यू सोन